इंडिया न्यूज 24 टीवी में आपका स्वागत है। ग्राम मानलनवाड़ा में देर रात बड़ी लाइन के तार गिरने से एक बसा बसाया परिवार का घर एवं गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। आज दिनांक 13 मई गुरुवार की रात में अचानक बड़ी लाइन के तार घर के ऊपर गिर गए, जिससे घर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। इस हादसे में परिवार के किसी भी सदस्य को हानि नहीं हुई। गर्मी होने के कारण सभी लोग घर के बाहर सो रहे थे। सरोज बाई उइके ने बताया कि घर के अंदर रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें राशन, पानी, गैस टंकी, बर्तन, खतौरा व कुछ नगद राशि जलकर राख हो गई। वही संकट की घड़ी में पहुंची राजा राय की टीम सूखा राशन संकल्प समिति के द्वारा उस परिवार को राशन, गेहूं, चावल, आटा, शक्कर, नमक, आलू, प्याज इत्यादि सामग्री देकर मदद की और जिला प्रशासन से गुहार लगाई की और शीघ्र पीड़ित परिवार की मदद की जाए। पीना बनाकर बहुत ज्यादा गर्म होती है तो वो हम बाहर सो रहे थे, कमालूम आग लग गई हमारे घर में जो बड़ी लाइन की, उस हमारा सामान सब पूरा जल गया। बही पट्टे, खाना पीना, दाल चावल आटो सब सारी चीज़ें गई, ऊना कपड़ा और गैस टंकी सब पूरी, टीवी, गोदरेज, पलंग, पेटी सारी चीज़ें हमारी चली गई। हमारे पास कुछ नहीं बचे, बही पट्टे दो लड़कियाँ सर, हम कैसे अब इनकी व्यवस्था करें, कुछ नहीं बचा हमारे पास। चाय पीने तक बस बर्तन नहीं बचे, पानी पीने के लिए तक बिल्कुल एक भी नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हैं बिल्कुल, और बिन के पापा हैं तो बिल्कुल पैर से बिल्कुल विकलांग हैं, बिन से कुछ नहीं बनता। बिन को जबरदस्ती खींचा हमने बाहर फेंका जब भी बच पाए, और वे बाद में सरपंच भैया आए और राजा भैया आज जिन लोगों ने हमारी मदद करी थोड़ी सी बनी जितनी बेचारों ने बहाल में, हम पर हमारे पास कुछ नहीं आता, खाना पीना चावल दे गए, आटू गेहूँ जित बनो उत बनो हमारी मदद कर दी सर। हमारे पास पैसे में ऐसा कुछ नहीं है, सब पूरे पर्स में थे, सब जल गया, एक भी नहीं बचा बिल्कुल। लैन जो तार टूट गया हमारे मकान के ऊपर।